आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। कोरोना वायरस पहले से ही बड़ी संख्या में लोगों की जान ले रहा है और अब कोरोना के मरीजों में ब्लैक फंगस संक्रमण भी जानलेवा बन रहा है। कोरोना वायरस पहले से ही बड़ी संख्या में लोगों की जान ले रहा है और अब कोरोना के मरीजों में ब्लैक फंगस संक्रमण भी जानलेवा बन रहा है। इस संक्रमण को म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं। ये संक्रमण इतना खतरनाक है कि नाक, आंख और कभी कभी दिमाग में भी फैल जाता है। इस समय जो ट्रेंड चल रहा है ब्लैक फंगस का, अक्सर तो दिखा गया बढ़ी हुई डायबिटीज के पर्सन के साथ में ये जो है ब्लैक फंगस वाली प्रॉब्लम देखी जाती है। और मेरे ख्याल से मुझे उनके लिए खासकर यही कहना है कि वो अपनी प्रॉपर मेडिकेशन का ध्यान रखें, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का बहुत कड़ाई से पालन करें, क्योंकि ऐसे पेशेंट हमेशा प्रोन होते हैं ब्लैक फंगस के। ईएसआईसी अस्पताल के फिजिशियन डॉक्टर रोहित चौधरी ने बताया कि ब्लैक फंगस संक्रमण के कई मामले सामने आए हैं, जिसमें मरीज की जान बचाने और संक्रमण को फैलाने से रोकने के लिए आंखें तक निकालनी पड़ रही हैं। डॉक्टरों का कहना है कि ये संक्रमण कोरोना वायरस से ठीक हो रहे या ठीक हो चुके मरीजों को अपनी चपेट में ले रहा है। ये बहुत गलत है, क्योंकि क्या होता है आजकल कोविड में कई स्टेरॉइड यूज कर दिए जाते हैं। स्टेरॉइड क्या करता है, इमीडिएटली ना ब्लड की शुगर को बढ़ा देता है, ऐसे पेशेंटों को बहुत नुकसान होता है। कृपया करके व्हाट्सएप से किए हुए इलाज जो लोग आपस में शेयर करते हैं, इसमें स्टेरॉयडल ट्रीटमेंट लेके रहते हैं, अपने आप से ना लें। देश के विभिन्न हिस्सों में इसके कई मामले सामने आए हैं और कई जगह मौतें भी दर्ज की गई हैं। अकेले महाराष्ट्र में ही ब्लैक फंगस के कारण 90 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। गौरतलब है कि इस फंगल इन्फेक्शन के कई मामले अब तक उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में दर्ज किए गए हैं। डॉक्टर की सलाह है, उसके बाद ही कोई ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, स्पेशल डायबिटीज वाली पर्सन, और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर रखना है, लोगों से दूरी रखें और मास्क पहनें। ईएसआईसी अस्पताल के फिजिशियन डॉक्टर रोहित चौधरी ने बताया कि ऐसे में इस घातक बीमारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए दिल्ली एम्स ने कुछ गाइडलाइन जारी की हैं, जो ब्लैक फंगस का पता लगाने और उसके इलाज के दौरान मदद कर सकती हैं। एम्स की ओर से डॉक्टरों को सलाह दी गई है कि जो मरीज ब्लैक फंगस के शिकार होने के रिस्क पर हैं, उन्हें लगातार सूचित करें और उनका चेकअप कराने के लिए कहा गया है। सी न्यूज़ के लिए लक्ष्मीराज सिंह की रिपोर्ट।